हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो पर मैं आपको 12 वोल्ट 7 एम्पीयर के इस बैटरी को चार्जिंग करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट का उपयोग करके इस बैटरी को चार्ज करना बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ख़राब एलईडी बल्ब से यह जो ड्राइवर सर्किट है मैंने निकाल दिया है। दोस्तों, यह जो ड्राइवर सर्किट है यह सही था और बल्ब का जो एलईडी वाला सर्किट था वह ख़राब हो चुका था। तो हम दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट का उपयोग करके इस बैटरी को चार्ज करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इस बैटरी को दोस्तों आपको मल्टीमीटर पर चेक करके दिखाता हूँ कि यह चार्ज है कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसे शॉर्ट करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैटरी हमारा डिस्चार्ज है। अब दोस्तों, मैं आपको मल्टीमीटर पर इसका जो वोल्टेज है चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 11.2 वोल्ट शो कर रहा है और बैटरी दोस्तों हमारा डिस्चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, तो आपको दोस्तों एक डायोड लेना है और ये जो आपका एलईडी ड्राइवर है तो यह इसका आउटपुट वोल्टेज है, मतलब कि आउटपुट है जिस पर दोस्तों आपको इसका आउटपुट वोल्टेज मिलता है जिस पर एलईडी का कनेक्शन रहता है। तो आपको दोस्तों एलईडी से आपको इस वायर को इस प्रकार से निकाल देना है और यहाँ दोस्तों इसका इनपुट सप्लाई हमें देना है। तो हम क्या करेंगे कि एक मेन लीड लेंगे और सबसे पहले इसके इनपुट वाले पॉइंट पर हम दोस्तों इसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको इस पर एक मेन लीड का जो कनेक्शन है कर लेना है। और अब दोस्तों आपको इसका जो आउटपुट है इसके आउटपुट पर आपको एक डायोड लगाना है। तो डायोड का ये जो एनोड वाला पॉइंट है तो दोस्तों आपको इस प्रकार से सोल्डिंग कर देना है। तो हम दोस्तों इसे इस प्रकार से सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से डायोड का कनेक्शन कर लेना है। अब आपको दोस्तों आपको इस पर आप कनेक्शन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो आउटपुट वोल्टेज है चेक करके मल्टीमीटर पर दिखाता हूँ कि हमें इस पर से कितना वोल्टेज मिल रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ हाथ नहीं लगाना है, आपको शॉक लग सकता है। अब मैं आपको इसका जो आउटपुट वोल्टेज है तो दोस्तों आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा करीब 122 वोल्ट के लगभग सप्लाई जो है शो कर रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो हम जो इसका कनेक्शन है बैटरी पर करेंगे। तो डायोड को बैटरी के पॉजिटिव वाले वायर के साथ में और यह जो इसका नेगेटिव वाला वायर है तो हमें दोस्तों बैटरी के इस नेगेटिव वाले वायर के साथ में इस प्रकार से जोड़ देना है। अब मैं आपको सप्लाई देकर इसका जो वोल्टेज है दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने इसे पावर दे दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ हाथ नहीं लगाना है, आपको शॉक लग सकता है। अब मैं आपको जो बैटरी का वोल्टेज है तो दोस्तों आपको चेक करके मल्टीमीटर पर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं 12.4 वोल्ट, इसके पहले हमें 11 वोल्ट के लगभग सप्लाई मिल रहा था। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ
कि इस बैटरी को कुछ देर के लिए चार्जिंग के लिए छोड़ देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ड्राइवर सर्किट से हमारा जो बैटरी है चार्ज होता है या फिर नहीं। तो हम दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों करीब आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको मल्टीमीटर से इसका जो बैटरी का वोल्टेज है आपको दोस्तों मैं चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो बैटरी है तो आधे घंटे में कितना चार्ज हुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 13.3 वोल्ट के लगभग शो हो रहा है। इसके पहले 12 वोल्ट के आसपास शो कर रहा था। इसका मतलब कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों मैं इसे मेन तक से बाहर कर देता हूं और अब दोस्तों मैं आपको यहां से इसे निकाल कर और अब दोस्तों मैं आपको जो बैटरी का वोल्टेज है तो चेक करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटरी है 13.2 वोल्ट के लगभग शो कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो बैटरी है चार्ज हो रहा है। अगर दोस्तों आप इस एलईडी ड्राइवर की मदद से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चार्ज कर सकते हैं। इससे अगर दोस्तों आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस प्रकार से आप इस ड्राइवर सर्किट की मदद से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसे फुल चार्ज होने में कुछ समय लगेगा, करीब आपका 3 से 4 या 5 घंटे आपको लग सकता है। दोस्तों अगर आपको ये छोटा जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।